हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक लाइक अ कोडर। इन केस यू डोंट नो मी और यू आर न्यू टू दिस चैनल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अमृतांजलि एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए HWE2 एट वॉलमार्ट ग्लोबल टेक इंडिया। एंड आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि एक ऑन डिमांड वीडियो है। एंड ये कैसे ऑन डिमांड वीडियो है, मैं पहले ये बताना चाहती हूँ। सो मैं अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं एक लाइव की थी। उस लाइव सेशन में मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछे थे कि उन्हें एक लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट SQL क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि वो DSA ये सब का तो बहुत रिसोर्स देख लेते हैं, बहुत रिसोर्स उन्हें मिल जाता है, लेकिन SQL क्यूरीज के लिए रिसोर्स नहीं मिलता है। तो आज मैं आपके लिए top 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट SQL क्यूरी का लेकर के आई हूँ। मतलब आज के वीडियो में आपको top 5 मोस्ट SQL क्यूरी बताऊंगी। एंड प्लीज आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सारे क्वेश्चन कवर कर पाओगे आप। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने में हेल्प करती है। आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो। एंड अगर अभी तक आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली वहाँ पर पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो मैं अभी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। सो बेसिकली सबसे पहला SQL क्यूरी में बहुत ही इजी सा बताने जा रही हूँ, मतलब राइट क्यूरी टू फेच द नंबर ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग इन द डिपार्टमेंट HR। लाइक HR डिपार्टमेंट पर कितने सारे एम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे बनाना है, बेसिकली ये क्यूरी उसके लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट काउंट एंड स्टार का मतलब क्या होता है कि सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्ट काउंट स्टार मतलब सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, मतलब सारा डिटेल सिलेक्ट कर लिया। फ्रॉम एम्प्लॉई इन्फो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू HR, मतलब ये सारे वो एम्प्लॉई इन्फो को प्रिंट कर देगा जिसका डिपार्टमेंट HR है। सो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट SQL क्यूरी जो बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो है राइट अ क्यूरी टू फाइंड द एम्प्लॉय हुज सैलरी इज बिटवीन 5,000 टू लाइक नॉट दिस इज नॉट 5,000 दिस इज 50,000 टू 1,00,000। सो बेसिकली इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार मतलब सारा डिटेल सेलेक्ट करना है उस एम्प्लॉय का, सेलेक्ट स्टार सारा डिटेल फेच करना है। फ्रॉम द एम्प्लॉय पोजिशन वेयर सैलरी बिटवीन 50,000 टू 1,00,000। तो सिंपली आपको ये बिटवीन का यूज करके आप ये कर सकते हो। वेयर का यूज कब करते हैं, हमें जब भी कुछ क्लॉज लगाना पड़ता है कि हमें ये कंडीशन लगाना पड़ता है, वहाँ पे हम लोग वेयर का यूज करते हैं। मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द एम्प्लॉय पोजिशन, एम्प्लॉय पोजिशन क्या है, ये एक टेबल है। इस टेबल में हमें कंडीशन लगाना है वेयर सैलरी जो है ना वो 50,000 टू 1,00,000 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए हम लोग बिटवीन का यूज किए हैं। तो ये प्रिंट कर देगा ऑल द लाइक जितना एम्प्लॉय पोजीशन, मतलब ये एम्प्लॉय पोजीशन जो टेबल है उसका सारा डेटा प्रिंट कर देगा जिसका सैलरी 50,000 से 1,00,000 के बीच में है। उसके बाद थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट SQL क्यूरी है, राइट अ क्यूरी टू फेच डिटेल ऑफ ऑल द एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉय विथ फर्स्ट नेम अमृत एंड अनिता। सो होता है कई बार ऐसा होता है कि हमें ना कुछ ऐसा क्यूरी लगाना पड़ता है कि हमें सारा डिटेल तो फेच करना है, लेकिन इस टाइप का पर्टिकुलर डिटेल फेच नहीं करना है। मतलब जिसका फर्स्ट नेम अमृत एंड अंजलि है, इस टाइप का डिटेल हमें फेच नहीं करना है। मतलब तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल मतलब स्टार मतलब ऑल होता है, फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, एम्प्लॉय इन्फो क्या है, टेबल है। वेयर के यूज क्या करते हैं, कंडीशन लगाने के लिए। वेयर एम्प्लॉय फर्स्ट नेम नॉट इन अमृत एंड अंजलि। अब यहाँ पे अगर आपको लिस्ट ऑफ नंबर डालना पड़े, मतलब अमृत अंजलि रीता सीता कुछ भी डालना पड़े ना, सबको आप इसमें कॉमा डाल करके डाल दो। एंड हाँ, यहाँ पे स्ट्रिंग होता है, मतलब कुछ भी सेव होता है ना स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव होता है, ये आपको तो पता ही होगा। तो इसलिए उसको हमेशा कोट्स के अंदर में डालना चाहिए। जैसे कि अमृत को मैं कोट्स के अंदर में डाली हूँ, सिमिलरली अंजलि को भी मैं कोट्स के अंदर में डाली हूँ।
select all from employee info, जो कि एक table है employee info, where employee first name not in Amrit and Anjali. So ये हो गया हमारा third most important SQL query. फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्यूरी में आपको क्या बताऊंगी, ये है राइट ए क्यूरी टू कैलकुलेट द इवन एंड ऑड रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल. सो कई बार हमें ना कुछ कंडीशन लगाना पड़ता है. मैं यहाँ पे इवन एंड ऑड रिकॉर्ड लगा सक रही हूँ, आप कुछ भी अदर जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो. तो बेसिकली अभी मैं किसके लिए चेक कर रही हूँ, जीरो मॉड, किसी भी चीज़ का मॉड टू लेते हैं, वो जीरो कब होता है, जब वैल्यू इवन होता है. तो मैं अभी इवन के लिए बस क्यूरी लिखी हूँ, ऑड के लिए नहीं लिखी हूँ. तो यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट एम्प्लॉई आईडी, हमें एम्प्लॉई आईडी प्रिंट करना है. तो सिलेक्ट एम्प्लॉई आईडी कर रहे हैं फ्रॉम, अब यहाँ पे नेस्टेड चल रहा है, मतलब जैसे हम लोग नेस्टेड इफ एल्स देखते थे, नेस्टेड लूप देखते थे, उसी तरह से यहाँ पे नेस्टेड सेलेक्ट चल रहा है. इस बात को आपको ध्यान देखना है. उससे पहले मैं आपको वेयर कब यूज करना है सो मैं बताई थी, अब मैं बता रही हूँ नेस्टेड कैसे यूज करना है. सेलेक्ट एम्प्लॉय आई डी फ्रॉम सेलेक्ट रो नंबर. अब यहाँ पे क्या करना है कि अब हमें रो नंबर एंड एम्प्लॉय आई डी को सिलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय आई डी इन्फो, मतलब ये एम्प्लॉय आई डी इन्फो में से सिलेक्ट करना है. वेयर रो नंबर मॉड टू इक्वल टू जीरो, मतलब रो नंबर को जब टू से मॉड लेंगे तो इक्वल टू जीरो होना चाहिए. तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से, मतलब आपको करना क्या है यहाँ पे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आई डी फ्रॉम कहाँ से सिलेक्ट करना है. उसके लिए ना ये टेबल के लिए ये कंडीशन लगाया हुआ है, मतलब ये जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये ब्रैकेट वेट, ये जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है ना, मैं हाईलाइट नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये ब्रैकेट जो स्टार्ट हो रहा है उसको वहाँ से आप ध्यान देखो, एंड ये जो इंड हो रहा है ये कहाँ इंड हो रहा है वहाँ पे ध्यान दो आप. सो आपको पता चलेगा कि सिलेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम वो टेबल के लिए हम लोग ये सिलेक्ट लगा रहे हैं, एंड उसके बाद हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं वेयर मॉड रो नंबर को टू से जब मॉड करेंगे, ये सब फंक्शन होता है मॉड ये सब, तो उसका वैल्यू जीरो आना चाहिए. अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात क्या है, हम लोग का एक आदत पड़ जाता है डबल इक्वल टू लिखने का. तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट में कोड करते हैं उनका आदत होता है ट्रिपल इक्वल टू लिखने का, जो सी प्लस प्लस एंड अदर लैंग्वेज में कोड करते हैं उनका आदत होता है डबल इक्वल टू लिखने का. मतलब डबल इक्वल टू मतलब किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है तो डबल इक्वल टू लिखते हैं. लेकिन यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं सिंगल इक्वल टू लिखना है. ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं. सो आपको ये समझ में आ गया हुआ आई थिंक. एंड फिफ्थ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे से, ये जो क्यूरी है ना तीन इंटरव्यू में पूछा गया है. बस एक ऐसा क्यूरी है जो मेरे से थ्री इंटरव्यू में पूछा गया है, जो कि है एसक्यूएल क्यूरी टू फाइंड सेकेंड हाईएस्ट सैलरी. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें मैक्सिमम सैलरी निकालना है तो क्या करना होगा. तो हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट ऑल स्टार मतलब ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय. तो मतलब पहले मैं क्या करी, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय. ये भी नेस्टेड काइंड ऑफ चल रहा है. तो पहले आप उल्टा देखो, पहले आप यहाँ देखो सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय. ये कुछ होगा मान लेते 1000 आया, ये हमारा सेलेक्ट होकर रखा हुआ है जैसे मान लो आप. अब क्या करना है, सेलेक्ट डिटेल मतलब ऑल स्टार मतलब ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू डेट मैक्सिमम. क्या आया था, 1000 आया था ना, मतलब 1 लाख आया था ना, सॉरी 1 लाख मतलब वो सैलरी जो है ना 1 लाख के इक्वल होगा, तभी वो एम्प्लॉय का डाटा हमें प्रिंट करना है. तो मतलब वो रिकॉर्ड प्रिंट करना है हमें. तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय, मतलब पहले आपका ये कैलकुलेट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर चेक हो रहा है कि सैलरी के इक्वल टू है या नहीं है. अगर ये सैलरी के इक्वल टू है, मतलब मैक्सिमम सैलरी जो 1 लाख आया था वो इक्वल टू सैलरी के है या नहीं है, मतलब ये जो एम्प्लॉय है इसकी सैलरी इक्वल टू है या नहीं है, अगर है तो डाटा प्रिंट कर दो. अब मैं इसको ये थोड़ा टफ है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो. अब मुझे क्या बताना है कि हमें सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड द स्क्यूल क्यूरी टू फाइंड सेकेंड हाईएस्ट सैलरी बताना है. यहाँ तो मैं फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी बता दी ना, अब हमें बताना है क्या, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम मतलब यहाँ पे नेम सेलेक्ट करते हैं, एंड मैक्सिमम सैलरी मतलब हमें यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, नेम प्रिंट करना है एंड मैक्सिमम सैलरी भी प्रिंट करना है एज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. ये बात आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब एज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अब यहाँ पे देखो नेस्टेड लगा रहे हैं, वेयर सैलरी इन सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय.
अब मैं इसको ना थोड़ा रिवर्स में करके बताती हूँ। सो हो क्या रहा है कि हमारे पास एक बहुत सारा रिकॉर्ड है, उसमें मान लेते हैं 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है। तो हो क्या रहा है कि इस रिकॉर्ड में से पहले क्या कर रहा है, मैक्सिमम सैलरी निकाल रहा है। मैक्सिमम सैलरी क्या है, 4 लाख है। हमारे पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख है। तो हमारे पास आया क्या, मैक्सिमम सैलरी 4 लाख वाला। अब क्या हुआ कि वो जो टेबल है उसमें से माइनस, माइनस मतलब क्या होता है, निकाल देना, वो 4 लाख वाले को माइनस कर दो। अब जो टेबल बचा वो हमारा टेबल है, समझ में आया। अब जो हमारा टेबल बचा वो हमारा टेबल है 4 लाख को निकालने के बाद। तो अब हमारे पास टेबल क्या बचा, इसमें 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। अब क्या करना है हमें कि अब उसमें से हमें मैक्सिमम निकाल के देना है। तो बेसिकली ये पहले कैलकुलेट हो रहा है एंड उसके बाद उसमें से जो बचा हुआ टेबल में सैलरी है उसमें से मैक्सिमम निकाल करके हमें प्रिंट करना है एंड उसका डिटेल प्रिंट करना है, मतलब उसका नेम प्रिंट करना है, मैक्सिमम सैलरी प्रिंट करना है। सो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। बेसिकली देखो, सेलेक्ट नेम मैक्सिमम सैलरी एज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इन सेलेक्ट, मतलब अब सैलरी कहाँ में होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए वो माइनस करने के बाद, बाद का जो डाटा बचा हुआ है उसमें से सैलरी होना चाहिए, मतलब उसमें से हमें क्या करना है, मैक्सिमम सैलरी निकाल के देना है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मैं ये वीडियो बता, मतलब वीडियो एक्सप्लेन करते टाइम मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आता होगा, लाइक फ्रॉम क्या होता है, एज क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम एक फंक्शन होता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देता है। ये सब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये सब आपको आता होगा। अगर ये सब नहीं आता है तो आप क्या काम कर सकते हो, कोई भी आप सिंपल गूगल करके कोई भी एक ब्लॉग पढ़ सकते हो जहाँ पे ये एक्सप्लेन किया होगा अच्छे से। एंड मैं आने वाले टाइम में और भी क्वेश्चन डालूंगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एकदम बेसिक से बताऊँ कि सिलेक्ट क्या होता है, फ्रॉम क्या होता है, जिसके लिए बहुत सारा ट्यूटोरियल अवेलेबल है, मैं इसलिए उसको नहीं बताना चाहती हूँ कि जो पहले ही अवेलेबल है उसमें मैं और क्यों डालूँ। तो अगर ये भी अगर चाहते हो तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हो, हो सकता है मैं आने वाले टाइम पे इस पे वीडियो बनाऊँ। एंड अगर आपको ये टॉप 5 मस्ट डू एसक्यूएल क्वेरी अच्छा आपको लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर सही में आप ऐसा वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं आने वाले टाइम में और ऐसा वीडियो डालूंगी। मतलब अभी मैं टॉप 5 मस्ट डू एसक्यूएल क्वेरी बताई हूँ, आने वाले टाइम में मैं टॉप 10 मस्ट टू एसक्यूएल क्वेरी बताऊंगी। सो अगर आपको ऐसा वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। एंड अगर अभी तक आप वीडियो देख चुके हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं एक बार फर्स्ट स्लाइड में जाती हूँ, आप स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन शॉट ले लो। एंड ये रहा मेरा सेकेंड स्लाइड, यहाँ भी मैं स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन शॉट ले लो। एंड अब मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि आप ये बस पढ़ के मत रहो, आप इसको रन करके देखो। अब रन करने के लिए आपको पूरा इंस्टॉल करना होगा, मतलब अगर आप उतना इंस्टॉल करने के झंझट से बचना चाहते हो तो कोई भी आप ऑनलाइन कंपाइलर पर चले जाए ना, जहाँ पे एसक्यूएल का ट्यूटोरियल सब अवेलेबल होता है, जैसे कि हैकर रैंक का जो है ना ट्यूटोरियल, उसमें आपको ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको रन करके देख सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।